परसेंटेज का ये वो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में वाजे लिखा हुआ है उन टॉपिक्स में से नहीं है जो वाजे नहीं लिखे हुए ये वाजे लिखा हुआ है ठीक है अच्छा दूसरी बात दूसरी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को या प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को वो ये सवाल पहचान नहीं सकते पेपर में आया होता है मैं कह दूं कि ये वाला इस टॉपिक में फौरन कह रहे होते हैं सर ये तो हमें आता है पहचान नहीं होती पेपर में सवाल की स्टूडेंट्स को कि किस टॉपिक से आए तो ये प्रॉब्लम भी आपने ओवरकम करनी है जी हर एक सवाल की पहचान होती है कोई खुद पहचानना है और भाई एग्जामिनर तो नहीं कहता ना आपको क्या एग्जामिनर पेपर में कहता है लो जी में आपको टॉपिक से सवाल दे रहा हूं जरा हल करके बताओ हाँ वो तो नहीं कहता वो कहता बस सवाल दे रहा हूं जिस तरह मर्जी हल करके आपने खुद पहचानना है ना सवाल कि कैसे ये किस टॉपिक से आए हुए तो पहली बात परसेंटेज का सवाल जब भी आएगा आपने परसेंटेज के सवाल को पहचानना कैसे है लफ्स परसेंट वो लिखेगा हो ही नहीं सकता कि परसेंटेज का सवाल आपको दे और आपको लफ्स परसेंट लिख के ना दे ठीक है जी वाजे परसेंट लफ्स लिखता है अच्छा जब भी परसेंट लफ्ज आए ना आपने इसके ऊपर एक ट्रैक अप्लाई करनी है लिखने का तरीका क्या है लिखने का तरीका क्या देखिएगा पर अलग कर लेना सेंट अलग कर लेना पर अलग लिख लो सेंट अलग ये पर वही पर है आपने फीसें जमा कराई ना अकेडमी वाले आपको यूं लेके है। कहते हैं यार सत्तर हजार पर रेड आप अपनी रसीदों पे देखें ना इस तरह लिखा होता है ठीक है या बैंक में जाते हो चेक कैश कराए चेक पे अगर आप लिखें तो आप कहते हैं आप बैंक वाला आपको कहता है ऐसे लिखो ये क्या पर इस तरह जाहिर करते ना परसेंट के अंदर ये वाला जो पार है ना इसका भी मतलब यही है दिस स्लैश रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को सेंट सेंट ये तो सेंचुरी से निकला हुआ है ये तो सेंचुरी से निकला हुआ है सेंचुरी वो तो आप सबको पता है सो so को कहते हैं ना सेंचुरी सो so को कहते हैं ना आफ जब भी परसेंटेज का सवाल आएगा लाजमी बताएगा ला? क्योंकि भाई परसेंटेजेजेजी आप यू लिख लेंगे यू ये ब्रेक मैंने आपको तीन सैंपल्स बताए हैं दिस इज अ ट्रिक नाटा मैथमेटिकल फॉर्मूला जस्ट हां भाई यहां तक फॉलो कर रहे हैं आप मुझे चीजें समझ आ रही या तक फॉलो कर रहे हैं मैंने जो ट्रिक बताई कमेंट्स में आप मुझे आंसर करें ना चुप हो गए कहीं सो तो नहीं गए ऐसा ना हो आप सोए हुए हों तो घर वाले उधर से फिर मीर तक की मीर का शेर गुनगुना के मुझे सुनाए फिर सर आने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टोक रोते रोते सो गए मैंने ये कहा परसेंटेज का लफ्स लाजमी लिखता है परसेंट लाजमी लिखता है वो सवाल की स्टेटमेंट परसेंट को वर्ड को तोड़ के पढ़ना है पार अलग सेंट अलग पार का मतलब दिस स्लैश मैंने वो एक मिसालें दी ना आपको अकेडमी वाला जो फीस पे ठीक है इसी तरह सेंट सेंचुरी से है ना सो आपको हम यूं लिखते हैं ब्रैकेट से यूं जाहिर करते हैं यूं मल्टीप्लिकेशन जैसा नहीं होती यूं जाहिर करते हैं आप ये मैंने ट्रिक बताई है अभी फॉर्मूला नहीं बताया ये लिखने की ट्रिक बताइए ठीक है जी अच्छा मैं अगर एक छोटी सी मिसाल दे तो मैं आपको बोलता हूं ना बोलू फाइंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ वन थाउजेंड फाइंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ वन थाउजेंड बोर्ड पे देखना जरा क्या बोल रहे हो ट्वेंटी परसेंट लफ्स तोड़ के पढ़ो ना पार लाख करो सेंट लाख देखना इधर ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी पर भाई पार लिखना ऐसे सिखाना सेंट सोत ये आफ आप, आफ को यूं लिखना सिखाया ना आफ वट वन थाउजेंड ये काट लो ना इसके साथ क्या आ जाएगा टू हंड्रेड टू हंड्रेड इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ वन थाउज टू हंड्रेड इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ वन थाउज इज इट क्लियर ट्रिक का ये मतलब है ठीक हो गया अब ट्रिक बताने का मकसद क्या है एक दो मिनट में जरा डिस्कशन करता हूं वो सुनिएगा ट्रिक बताने का मकसद ये है देखें हमने सीएसएस करना है ना हमने सीएसएस करना है ठीक है ना के हम कोई रिसर्च करना है सी एस एस में टाइम मैनेजमेंट में मसला होता है आपका बड़ा मसला होता है टाइम मैनेजमेंट हाँ सी एस एस में दो पेपर ऐसे है ना जिसमें टाइम मैनेजमेंट का मसला खाम खा होता है आप इनशाला जाएंगे दो हजार इक्कीस में तो आप देख लेंगे मेरी बात आपको याद आएगी दो पेपरों में खाम खा टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है एक एस में होता है दूसरा जी एस ए में होता है हाँ एक एसए में होता है दूसरा जी में होता है एसे में क्यों होता है ऐसे में तो इसलिए होता है ना क्योंकि हमें पता है यार वो कहता पच्चीस सौ से तीन हजार वर्ड्स लिखो हम नहीं लिख सकते हा वो कहता है पच्चीस सौ से तीन हजार वर्ड्स लिखो ये कह रहा होता है ना वो इतने हम दो घंटे में लिख ही नहीं सकते भाई तीसरा घंटा तो आपका आउटलाइन पे गुजर जाता है ना दो घंटे में आप इतना लिख नहीं सकते आर बंदा यही लिख रहा होते हैं एवरेज लोग लिख रहे होते हैं कोई लिखाता है जी दो हजार कोई, कोई लिखता है, है इक्कीस अच्छा लिखा तेईस तो, की बात कर रहा हूँ एक्सेप्शन आर ऑलवेज देर हो सकता है आपकी क्लास में भी कोई एक्सेप्शनल बैठा हुआ एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं पिछले पांच साल से जो मैंने देखा है इतने लिखते हैं सोलह सो सत्रह सो अठारह सो पर से भी पूछे ना अगर आपके सामने खड़ा होकर झूठ ना बोले तो वो वो भी इतना ही लिख के आते भाई आप इंसान है ना मशीनें तो नहीं है ना सारे कितना फर्क डालोगे सो दो सौ नंबर वर्ड्स का फर्क पड़ सकता है तीन सौ का फर्क पड़ सकता है ना ठीक है तो ऑन द एवरेज लोग इतना ही लिखते हैं टाइम मैनेजमेंट में का मसला क्यों होता है क्योंकि वर्ड काउंट ज्यादा है ठीक है और आपको इतना ही हर बंदा अगर आप पूछे ना एक्सेप्शन हमेशा अलग है मेरी एक स्टूडेंट थी पिंडी कैंपस में मैं नाम लिए बगैर शेयर करूंगा आपसे वो मैंने जैसे आपको कह दिया ना ऐसे कही उसको भी बात मेरी याद थी तो जब पेपर दे के आई मुझे कहती है सर आपने कहा था इतने ऐसे में नहीं लिख सकते मैं तो सताइसो वर्ड लिख के आई हूँ तो मैं साथ आपको भी कह रहा हूँ ना एक्सेप्शन हो सकते हैं आप वैसे लेकिन एवरेज स्टूडेंट इतना ही लिखते तो वो बाद में जब उसका रिजल्ट आया तो मैंने उसको पूछ लिया कि डीएमसी दिखाओ मुझे तो डीएमसी जो उसकी आई थी तो ऐसे में नंबर थे ग्यारह फिर तो कहीं मेरी बात दिल पे लेके आप भी ना ये शुरू हो जाए ना आप कहें हमने वर्ड काउंट पूरे ही करने तीन हजार पैंतीस सौ करके आएंगे तो क्वांटिटी नहीं मैटर करती क्वालिटी मैटर करती है हाँ? इसलिए ठीक है तो ऑन द एवरेज लोग इतना ही लिखते हैं जैसे अठारह सो दो देखे तो बयालीस नंबर ऐसे में मुझे भी दिए उसको इतना ही लिख सकते हैं आप एवरेज स्टूडेंट इतना ही लिखता है एक्सेप्शन लाग गए ठीक हो गया ऐसे में तो समझ आती है जी ऐसे में क्यों है जी ट्वेंटी मार्क्स का एक क्वेश्चन उसके लिए सीएसएस में आपके पास टाइम कितना होता है टाइम होता है आपके पास थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स इतना ही टाइम होता है थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स एक, पर एक जो आपका बीस नंबर का सवाल है सीएसएस में ही टाइम होता है आप इससे ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका पेपर रह जाता है अल्टीमेटली तो जीएसए में चार हिस्से बनाए हुए ए बी सी डी ऐसे आप जरा पैंतीस मिनट को डिवाइड करो ना या तीस मिनट को डिवाइड करो ना चार हिस्सों में कितना टाइम बनता है आठ नौ मिनट आपके पास आठ मिनट एवरेज यानी आपको एक सवाल हल करना है आठ मिनट में तय ये हुआ आपको एक सवाल हल करना है आठ मिनट में हम ये तो नहीं है कोई रिसर्च करने बैठे हुए हैं सवाल शुरू किया है जब हल हो गया तो ठीक है जी आठ मिनट से ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका पेपर रह जाएगा इसलिए जरूरी है ना सिर्फ फॉमूले पर रिलाई ना करें हम ट्रिक्स भी साथ साथ पढ़ते जाए आपका टाइम बचाती हैं आपको क्विकली सोल्यूशन देती हैं इसलिए ट्रिक्स हम साथ साथ यूज कर रहे थे तो ये ट्रिक मैंने इसलिए बताई कि ये हमारा टाइम बचाएगी सवाल जल्दी हल कराएगी ये सिर्फ क्लास की हद तक नहीं होगा मैं आपको सी के पेपर्स भी सॉल्व करके बताऊंगा मेरे सामने होते हैं पिछले पांच साल के पेपर्स तमाम सवाल भी मुझे पता होता है परसेंटेज का कहा आया हुआ ठीक हो गया आप मेरी बात समझ गए कि ट्रिक क्यों बताइए का मकसद क्या होता है हर टॉपिक में कोई ना कोई चीज इस तरह की बताऊंगा कि हमारा टाइम बच सके ना हम जल्दी सवाल हल करें वजह उसकी ये थी इज इट क्लियर नाउ अच्छा जी अब आप ये आपके पास ट्रेक लिखी हुई है यही मैं अप्लाई करूंगा जैसा मर्जी है सवाल हो अभी आप देखेंगे सारों के ऊपर मैं अप्लाई करके बताऊंगा और सीएसएस के पेपरों पर भी अप्लाई करके बताऊंगा आप लिखें जी एग्जांपल नंबर वन कर लें एग्जांपल नंबर वन कर लें। हमें तो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना? पेपर में ख्याल करें कि हर टॉपिक में तरीका कार्य होगा गुलाम अहमद खान अच्छा ट्रिक्स आपके लिए आपने रफ में रखनी है ट्रिक्स सिर्फ आपकी आसानी के लिए है पेपर में सिर्फ अमूला लिखना होता है ठीक है सिर्फ इसलिए होती है आपको फैसिलिटेट किया जाए ना आप जल्दी साल सवाल हल कर लें और एक्यूरेटली हल कर लें हर हर टॉपिक में करेंगे हम ऐसा ठीक है अच्छा अब जरा एग्जाम्पल्स का तरीकाकार मेरा सब टॉपिक्स में ये होगा सबसे पहले आसान तरीन मिसाल से शुरू करूंगा फिर एक स्टेप मुश्किल एक स्टेप मुश्किल एक स्टेप मुश्किल करते करते हम मुश्किल की तरफ बढ़ते चले आखिर पर मुश्किल सवाल होगा और सबसे आखिरी सवाल हर टॉपिक का सी के पास पेपर्स में से होगा सी के पास पेपर्स में से होगा क्योंकि ताकि आपको पता चले ना कि पास पेपर्स में पास्ट पेपर्स में आपके पास जो सवाल आ रहे हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं साथ साथ पास पेपर्स भी सॉल्व होते जाएंगे और ये तो नहीं है ना हम एक ही अनगाइडेड चलते रहे इधर ट्रेक्स लगाते रहे क्लास में तो पेपर में लगे ही ना फिर ये भी देखना ना साथ पांचों पेपर मेरे सामने होते हैं तो उसके मुताबिक चलना है हमने ठीक है भाई पांच ही पेपर है ना आपके पास जनरल साइंस के तो वो सामने रखते हुए चलेंगे हम ठीक है तो ये आइडिया हो गया कि हम शुरू हमेशा आसान से करेंगे स्टेप बाय स्टेप मुश्किल करते जाएंगे आखिरी सवाल सीएसएस का हुआ करेगा मैं वाजे पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर आपके सामने लिखूंगा ठीक हो गया तो लिखो फिर एग्जाम्पल नंबर वन लिखो एग्जाम्पल नंबर वन लिखो जी एक स्टेटमेंट है इन अ पार्किंग देर आर देर आर एट हंड्रेड इन विच एटी परसेंट इन विच एटी परसेंट कार्स आर पाकिस्तानी मेड फाइंड द नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स फाइंड द नंबर ऑफ पाकिस्तानी कार्स भाई जो अभी चीजें सिखा रहा हूं आप तरतीब में चले ना बुक रिकमेंड करना प्रैक्टिस के लिए चीजें देना वो सारा कुछ मेरा काम है ना बताऊंगा एंड पे अभी चीजें सीखें तो सही पहले अच्छा जी आसान तीन सवाल है एक स्टेप में हल कर सकते हैं लेकिन जानबूझ के हमने आदत बनानी है ना थ्यूरी वाले सवाल पे जाना थ्यूरेटिकल उसके ऊपर अप्लाई करनी है वही ट्रिक्स देखना जरा सोल्यूशन में पहली बात सवाल को पहचानना बताया उसने कहा एटी परसेंट ये देखो लिखा ना वर्ड लिखा ना एटी परसेंट तो आप लिखेंगे टोटल कार्स कितनी है जी एट हंड्रेड परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी कार्स परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी कार्स आपको दे दिए कहता है एटी परसेंट कहता है 80%. ठीक है आपको कहता है नंबर नंबर ऑफ ऑफ पाकिस्तानी पाकिस्तानी कार्स कार्स निकालो बोर्ड पे देखना जरा क्या बोल रहे हो एटी परसेंट तो मैंने कहा था ना वर्ड तोड़ के पढ़ो तोड़ो जरा इसको एटी परसेंट कह रहे हो एटी परसेंट पर यूं लिखना सिखाया सेंट है यूं लिखना सिखाया आप को यू लिखना सिखाया आफ वट टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दैट दैट पार्किंग कितनी है एट हंड्रेड कट गया क्या आ जाएगा जीरो सिक्सटी फोर सिक्स फोर्टी कार्स आर पाकिस्तानी मेड आसान तरीन सवाल था आसान तरीन सवाल था लेकिन हम वही ट्रिक इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ना आसान हो या मुश्किल सबके ऊपर वो ट्रिक अप्लाई करते हुए चलना सीखना है ना और ये तो नहीं है एक आप एक सवाल के लिए अलग मेथड चले दूसरे के लिए अलग मेथड चले हम सारों को एक ही मेथड से और एक ही ट्रिक्स से लेके जा चलना चाहते हैं मकसद ये सीखना है ठीक हो गया यू आर सपोज टू राइट दी स्टेटमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स इसके स्टेटमेंट्स के ये थ्योरी लिखेंगे इसके मार्क्स होते हैं ना ठीक हो गया हाँ भाई सबको एग्जाम्पल वन क्लियर हो गई अब मैं एक एक स्टेप जरा मुश्किल करता जाऊंगा एग्जाम्पल्स को हाँ एग्जाम्पल नंबर थ्री कर लें आप एग्जाम्पल नंबर थ्री कर लें लिखे 15 liters of a mixture 15 liter of a mixture contains 20 percent alcohol contains 20 percent alcohol and rest is water and rest is water Rest is water. If three liters of water be mixed in it, if three liters of water be mixed in it, three liters of water be mixed in it, what is the percentage of alcohol? वट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर इन द न्यू मिक्सचर आप स्टेटमेंट लिख लें फिर मैं समझा देता हूं जी पहले मुझे बताओ यहां तक चीजें समझ आई हैं स्पेशली आर्ट्स वाले या डॉक्टर शॉक्टर बैठे होते हैं बीच में हां यहां तक बात क्लियर है सब लोगों को ओके जी देखें परसेंट वर्ड क्लिक कराए परसेंट वर्ड क्लिक कराया ना उसने अब कहता है स्टेटमेंट पे गौर करना जरा 15 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स 20 परसेंट पहली बात कहा है मिक्सचर मिक्सचर हमें पता है कम से कम दो चीजें होंगी ना एक चीज का मिक्सचर तो नहीं होता हा कम से कम दो चीजें ना भाई मिक्सचर तो तब बनता है ना कम से कम दो चीजें देखो ना आप पानी में चीनी डालें तो कहते मिक्सचर सिर्फ पानी तो नहीं ना मिक्सचर हाँ ये मैं चाय पी रहा हूं तो बिस्किट में भुगो के खा रहा था इसमें गिर गया है तो बिस्किट और चाय कभी मिक्सचर बन बन तो मिक्सचर कहने का मतलब ये है कि कम से कम दो चीजें ना वो मिक्सचर हैं तो मिक्सचर लफ से तो हमें यह समझ आती है ठीक हो गया आप जरा देखिएगा कहता ट्वेंटी मिक्सचर है किस किस का वाटर का और वाटर का और अल्कोहल का कहते दो चीजें यार पानी है और शराब है कहता, टोटल मिक्सचर कितना है पंद्रह लीटर ये उसने खुद कहा है ना ये देखो तो सॉल्यूशन में लिखते हैं टोटल मिक्सचर कितना है पंद्रह लीटर टोटल मिक्सचर कितना है पंद्रह लीटर शराब कितनी है हमें नहीं पता बस परसेंटेज दे दिए तो अल्कोहल निकाल लेते हैं ना कहता ट्वेंटी परसेंट अल्कोहल है तो निकाल लेंगे ट्वेंटी परसेंट बोर्ड पे देखना जरा ट्वेंटी परसेंट कह रहे हो ट्रेक लगाओ 20 परसेंट कैसे लिखते होते हैं 20 सेंट ऑफ व्हाट टोटल मिक्सचर हो तो 15 लीटर हाँ ये कट गया इसके साथ ये कट गया इसके साथ पांच ये कट गया इसके साथ क्या जवाब आया तीन पता चला शराब तो तीन लीटर है उसने तो नहीं कहा था शराब तीन लीटर है उसने कहा था बस मिक्सचर है शराब का और पानी का टोटल मिक्स से दे दिया पंद्रह कहता है शराब उसमें 20% है ये नहीं बताया कितनी है तो हमें परसेंट लिखना आता है ना बस वो लगाए तो शराब 20% बोल रहा था 20% ऑफ यू लिखते ना हाफ बट टोटल तो मिक्स से पंद्रह लीटर निकला तीन लीटर पता चला तीन लीटर शराब है नेक्स्ट क्या बोल रहा है एंड रेस्ट इज वाटर रेस्ट इज वाटर सो वाटर कितना है और भाई ती, तीन लीटर शराब निकली तो बाकी फिर कितना बनता है पंद्रह में से तीन शराब निकाल दो बाकी बारह लीटर पानी बन गया ना इसका मतलब वो की बात कर रहा था तीन लीटर शराब तो बारह लीटर पानी तीन लीटर शराब तो बारह लीटर पानी मुझे बताओ यहां तक कोई मुश्किल है भाई वही ट्रेक लगाइए बस सिर्फ हमें लिखने का तरीका आता है बाकी तो वो खुद कहता जा रहा जो जो वो कह रहा हम वो कर रहे हैं अपने पास से तो कुछ कर ही नहीं रहा ठीक हो गया आगे सवाल पढ़ो आगे कहते हैं इफ थ्री लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट कहता है तीन लीटर पानी और ऐड कर दो ठीक है जी ऐड कर देते हैं इफ थ्री लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड बी मिक्सड तीन लीटर पानी और ऐड करो अच्छा तीन लीटर पानी ऐड करोगे तो आप नाउ वाटर इज नाउ वाटर कितना हो गया जी वो बारह लीटर पहले ही था उसमें तीन लीटर और जमा कर लिया ना कितना हो जाएगा पंद्रह लीटर पंद्रह लीटर ठीक हो गया अब मैं ऊपर रेस कर, कर रहा हूं सवाल की जो स्टेटमेंट थी यहां लिखूंगा अच्छा जी अभी तक तो जो स्टेटमेंट कही हमने वो ही की है अब हमें पूछा कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्योमिक्स कहता है पहले पानी बारह लीटर था उसमें तीन लीटर शराब थी जो कि ट्वेंटी परसेंट बनती थी अब कहता है पानी और उसमें उस मिक्सचर में पानी और डालना है पानी उस मिक्सचर में और डालना है कितना तीन लीटर डाल दिया बन गया पंद्रह ठीक हो गया अब कहता है पानी जब और डाल है अब बताओ जरा वही शराब हुई है वो नहीं और डाली और भाई उसने कहा ही नहीं कोई और डालो शराब उसने कहा फिर पानी और डाल पानी ज्यादा किया है अब जाहिर सी बात है पहले मिक्सचर ज्यादा गाढ़ा था अब वो कम गाढ़ा हो गया ना पानी ज्यादा कर दी तो कहते हैं बताओ आप न्यू, न्यू में क्या है तो हमसे ये पूछा ना बस जरा मेरी तरफ देखिएगा आप मेरी तरफ देखिएगा एक बात समझनी है ठीक है फिर लिखते रहे अब मैं परसेंटेज पूछ रहा अल्कोहल की परसेंटेज पूछ रहा है अल्कोहल की तो परसेंटेज हम कैसे निकाला करते थे जरा फार्मूला भी डेवलप करते हैं ना साथ साथ अभी तक तो ट्रेक चला लिया हमने साथ साथ फार्मूला भी डेवलप करते हैं वही ट्रेक चलाई है पारसेंट लिखना तो वही है सेम है तो अभी तक फार्मूला हमने डेवलप नहीं किया था अब फार्मूला भी डेवलप कर लेते साथ देखना मैं आपको वो वाली मिसाल देता हूं जो साइंस वालों ने भी किया आर्ट्स वालों ने भी किया डॉक्टर ने भी किया इंजीनियर्स ने भी किया अपनी डीएमसी पे आप अपनी डीएमसी पे अपने ऑब्टेंड मार्क्स की परसेंटेज निकालते थे जरा याद करो कैसे निकालते आप ऊपर लिखते थे मार्क्स नीचे लिखते थे टोटल या ओरिजिनल मार्क्स जो बोर्ड ने ओरिजिनल मार्क्स आपको दिए होते मल्टीप्लाईड्रेड मुझे बताओ ये सब लोगों ने किया या नहीं तब भी सब ने किया ना अपनी डीएमसी पे परसेंटेज निकालते थे ना और भाई ये तो नहीं था ना कि जो आर्ट्स वाले हैं तो क्या आपने मार्क्स की परसेंटेज निकलवाने के लिए वो एमएससी मैथ के पास जाते थे जरा मुझे मार्क्स की परसेंटेज निकाल देना ऐसा तो नहीं था ना

तो आप वो मिसाल जैन में रखें ना वो वाली मिसाल जो आप छोटी क्लासों से यहां तक आप सबने कियाते कि तो इस, इस हुए आईंदा जर्नलाइज कर लिए ओरिजिनल या टोटल होता है मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड समझ रहे मेरी बात अब जरा आए वापस क्वेश्चन अलकोहल की हो हमसे तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर लिखते ना तो फिर ऊपर लिखो क्या ऊपर शराब की आप परसेंटेज निकालो शराब कितनी थी तीन थी? लीटर तीन लीटर थी ना शराब डिवाइडेड बाय क्या था टोटल भाई टोटल मार्क्स मालते थे टोटल कितना मिक्सचर बताओ मुझे पंद्रह लीटर पानी है तीन लीटर शराब भी है ना टोटल मिक्सचर कितना है टोटल मिक्सचर कितना है अठारह क्योंकि पंद्रह पानी हो गया था ना और तीन लीटर शराब भी तो है ना मिक्सचर में तो अठारह हो गया मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड उसी तरह नहीं है ऊपर लिखते थे टोटल तो इसको हमने किया ना भी पूछेगा, आपको मैं करके कहता हूं आप सीएसएस के पांच पेपरों में से चार में परसेंटेज आई हुई है आप ले आए कोई भी क्वेश्चन के देखें, मैं अभी बताऊंगा क्या आपको परसेंटेज और फॉर्मूला है ही नहीं जिसकी भी परसेंटेज निकालनी होती है सेम समझ रहे हैं बात एक ही फॉर्मूला है एक ही ट्रिक, एक ही फॉर्मूला। अक्सर स्टूडेंट से मुझे कह रहे थे यही जहन में रखना है यही आपने डीएमसी वाली एग्जाम्पल में रखनी है कहीं भी चेंज नहीं आता मैं अभी करके बताऊंगा आप मुझे बताओ यहां तक समझ के इसको काटो ना इसके साथ क्या है छे और सौ को डिवाइड कर लो छे से ठीक है तो ये क्या आ जाएगा जी सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स होगा तो ले इसको सिक्सटीन पॉइंट सेवन या इसी तरह भी छोड़ दे और परसेंट में लिखना परसेंटेज निकालिए ना इज इट क्लियर तो इस सवाल में हमने नई चीज क्या सीख ली कि आइंदा फार्मूला भी हमें कभी भूल जाए ना फार्मूला होता है एक ही फार्मूला भाई कोई नहीं चेंज आता वो डीएमसी वाली एग्जाम्पल रखेंगे राइट लिखो और एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फोर कर लो Example number four Likoji The price of the price of a bundle of pens of a bundle of pens. Rose from ten percent to fifteen percent, rose from ten percent to fifteen percent. What is the percentage increase in the price? What is the percentage increase in the price? वट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस जल्दी लिखोगे जरा क्विक शावश ओके जी अच्छा बोर्ड पर देखिएगा पर्सेंट का है ना फिर उसने तो सोल्यूशन में लिखते हैं हमें कहता है कि परसेंटेज इंक्रीज आया पेन्स के बंडल है उसमें परसेंटेज इंक्रीज आया है। टेन से फिफ्टीन हो गया है हमें क्या पूछ रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज अच्छा मुझे बताओ मैंने आपको अभी बताया था परसेंटेज का एक ही फॉर्मूला है जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको कहां लिखते हैं ऊपर डिवाइडेड बाय क्या होता है टोटल मल्टीप्लाइड बाय क्या भाई ऊपर क्या लिखते थे जिसकी परसेंटेज निकालनी ऊपर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ना जैसे आपको देखो ना यार बोर्ड में एफएससी में मार्क्स आपको बोर्ड देता था ग्यारह सौ वो ओरिजिनल मार्क्स थे ना नीचे ओरिजिनल लिखना होता है ऊपर पार्ट जिसकी आप परसेंटेज निकाल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड यही करते थे ना तो रखो जैन में फिर देखना आपको क्या पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है लेकिन किसकी इंक्रीज की ना तो फिर ऊपर इंक्रीज लिखोगे ना और भाई जैसे आप ऑप्टेंड मार्क्स की परसेंटेज निकालते तो ऊपर ऑप्टेंड मार्क्स लिखते थे ना अब परसेंटेज मांग रहे किसकी इंक्रीज की तो ऊपर इंक्रीज लिख दो डिवाइडेड बाय क्या होता है ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है हंड्रेड ये लिखते थे ना इंक्रीज कितना आया देखो कहते टेन से फिफ्टीन चले गए टेन टू फिफ्टीन कितना हो गया जी फाइव भाई दस पंद्रह फाइव परसेंट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कितना था ओरिजिनल ये है ना ओरिजिनल कितना था जी टेन परसेंट मल्टीप्लाइड पर क्या लिखना होता है हंड्रेड वही चला रहा ना तो काट लो इसको इसके साथ इसको इसके साथ तो क्या आ जाएगा फिफ्टी ना ये कट के इसके साथ ठीक है जी तो फिफ्टी क्या परसेंट में लिखते हैं परसेंट यही निकालिए फिफ्टी परसेंट और तो भाई अगर कह देता डिक्रीज क्या करते हैं आप ऊपर डिग्रीज देख देते ना मैंने जनरल बताया है जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं डिवाइडेड बाय ओरिजिनल बाई कभी भूल जाए तो ओपटेड मार्क्स वाली एग्जाम्पल में रखो ना ओपटेंड मार्क्स वाली एग्जाम्पल रखो ना ठीक है लिखो मैं वाजे लिख देता हूं आपके सामने वाजे में लिख देता हूं आपके सामने सी एस एस सत्र है. और इसका जो क्वेश्चन नंबर है ना वो भी लिखें आप सी एस एस सत्र क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे सेवन है पार्ट ए क्वेश्चन नंबर सेवन है पार्ट ए मैंने पूरा एड्रेस लिख दिया क्वेश्चन का आपके सामने भाई पूरा एड्रेस मैंने लिख दिया है क्वेश्चन का आपके सामने ठीक है मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट ना लिखू डायरेक्ट से पढ़ देता हूं आपके सामने मैंने लिख तो दिया ना सीएसएस सत्र है आप चेक कर सकते हैं पेपर्स आपको मिल जाएंगे मैंने अटैच भी किए हुए ना भी हों तो आप गूगल कर लें लिखा है सीएसएस सत्र पूरा एड्रेस जो बता दिया सवाल का क्वेश्चन नंबर सेवन पार्ट है ठीक है अच्छा सुनिएगा जरा स्टेटमेंट सुनिएगा जी बोर्ड पे देखें जरा स्टेटमेंट है कहते हैं जी ऑफ मीट एट आर फाइव हंड्रेड पर के जी मैं लिख रहा हूं हूँ हंड्रेड पर के जी सुनिएगा मीट वन के जी मीट उसने खुद कहा पाँच सौ कह, कह. भाई ये स्टेटमेंट डायरेक्ट इधर ही लिख रहा हूं मैं वन के जी मीट उसने खुद कहा पाँच सौ कह, 500 कह. कहता है पांच किलो खरीदने पांच किलो खरीदने तो पांच से जरब दे दो ना दोनों तरफ पांच से जरब दे दो क्या बन जाएगा पच्चीस सौ फाइव के जी मीट मुझे बताओ यहां तक कोई मुश्किल है बात समझ आई कहता है एक किलो गोश्त पांच सौ का खुद का है उसने लिख दिया ना कहता है पांच किलो खरीद रहा बंदा पांच किलो खरीद रहा तो पांच से जरब दे दो ना पांच किलो कितने हो का होगा पच्चीस सौ का ठीक हो गया अब देखिएगा जरा कहता है इन एडिशन और भाई पहली लाइन समझ आई कि अभी तक उसने ये कहा एक किलो गोश्त है देखिएगा जरा इधर पहली लाइन समझ आई है सबको एक किलो गोश्त पांच सौ का पांच, पांच किलो कितने को पच्चीस सौ का कहता है इन एडिशन टू दिस ही हैज टू पे कंजम्पशन टैक्स ऑफ सिक्स परसेंट कहता है ये तो आर सूरत देगा ना अगर गोश्त खाएगा पच्चीस सौ तो आर सूरत देगा अगर गोश्त खाएगा कहता है इसके ऊपर भी देगा टैक्स भी देगा इसके ऊपर इसके ऊपर टैक्स भी देगा पच्चीस तो ओरिजिनल प्राइस है अगर गोश्त खाना पच्चीस तो उसको देना पड़ेगा इसके अलावा कहते हैं इन एडिशन टू कैलकुलेट टोटल मतलब आपने ये फाइंड करना है टोटल टोटल अमाउंट ऑफ मनी टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज टू पे ही हैज टू पे आफ्टर सिक्स परसेंट आफ्टर सिक्स परसेंट टैक्स आपने ये फाइन करनी देखो भाई इधर बोर्ड पे देखना जरा ओ पच्चीस सौ तो आर सूरत दे रहा है ना ओरिजिनल प्राइस है पच्चीस तो अगर गोश्त खाएगा ये तो ओरिजिनल है ना देने ही देने साथ ही बोला इन एडिशन इसके अलावा भी देगा एडिशन मतलब जमा करना है ना जमा करना है क्या छे छे परसेंट टैक्स भी देगा जरा बोर्ड पे देखना क्या बोल रहे हो सिक्स परसेंट लगाओ ट्रिक सिक्स पर यू लिखते हैं सेंट यू लिखते हैं आफ चूंकि हमें पता है परसेंटेज तो किसी चीज की होती है भाई परसेंटेज तो किसी चीज की होती है ना हमेशा परसेंटेज तो हमने पढ़ा किसी चीज की परसेंटेज ऑफ व्हाट हमने कहा टोटल सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस कितनी है तो पच्चीस सौ है ना पांच किलो की ये भाई ये तो ओरिजिनल प्राइस है सौ दे रहा है उसके अलावा एडिशन इसके छह परसेंट वो टैक्स भी देगा इसके ऊपर पच्चीस सौ है ना तो काटो इसको इसके साथ तो क्या आ गया पच्चीस सौ जमा एक सौ पचास आ गया ना ये तो छब्बीस सौ पचास पांच नंबर का सवाल था कौन सी रॉकेट साइंस थी इसमें मुझे बताओ